सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। रूपा, रूपा छोड़ उसे, ये मेरा है। ये मेरा है? नहीं मेरा है। अरे मैंने बोला ना मेरा क्लिप है, ये मेरा क्लिप है, छोड़ दे वरना टूट जाएगा। तू छोड़ देना, अगर टूट जाएगा तो तू छोड़। छोड़ देना, छोड़ दे, छोड़ दे। ये क्या किया तूने? मेरा क्लिप तोड़ दिया। मैंने नहीं तोड़ा, तूने इसे पकड़ा इसलिए टूट गया। क्या हो रहा है ये? तोड़ेगा? क्यों लड़ रही है दोनों? माँ देखो ना, इसने मेरा क्लिप तोड़ दिया। मैंने नहीं तोड़ा, ये झूठ बोल रही है। अच्छा ठीक है, जब तुम्हें ट्यूशन छोड़ने जाऊंगी तब तुम दोनों के लिए एक नया ला दूंगी, ठीक है? अच्छा जल्दी करो, ट्यूशन के लिए लेट हो रहा है। लड़ती रहती है जब देखो बच्चों जैसे। मेरी प्यारी माँ, नया ला दूंगी। तो ट्यूशन से आप फिर तुझे मजा चखाऊंगी मैं। मेरा क्लिप। क्या हुआ माँ, स्कूटी क्यों रोकी? बेटा मेरे फोन का बैलेंस खत्म हो गया है, तुम 2 मिनट रुको, मैं बैलेंस डलवा के आती हूँ। रूपा, आए दिन हम बच्चों के गायब होने की कहानी सुनते रहते हैं, जो लाख ढूंढने पर भी नहीं मिलते। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो मिल जाते हैं, जिनकी कहानी हम तक पहुंच जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो कभी नहीं मिलते, जिनकी कहानी, जिनका दर्द वक्त के पन्नों में कहीं खो जाते हैं। ऐसे ही कुछ हमारी कहानी के किरदार रूपा के साथ भी हुआ। रूपा एक जुर्म का शिकार बन चुकी थी। नमस्कार, मैं हूं शक्ति आनंद और क्राइम अलर्ट के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। रूपा बाजार से अचानक गायब हो गई थी। एक आदमी था जिसकी नजर उस पर थी, तो क्या उसी ने उसे अगवा किया था, या फिर रूपा के साथ कोई और अनहोनी घटना घट चुकी थी? बच्चों को बड़ा करना आसान नहीं होता, बच्चों पर हर वक्त अपनी नजर रखनी पड़ती है। आपकी नजर हटते ही बच्चे किसी भी दुर्घटना का शिकार बन सकते हैं।
जैसे उनका हाथ छोड़ा, उनके साथ कुछ भी हो सकता है। क्या एक पल की लापरवाही का अपराध बोध अरुणा को जिंदगी भर सताता रहेगा? ये मेरा है। नहीं मेरा है। अरे मैंने बोला ना मेरा क्लिप है ये मेरा क्लिप है, छोड़ दे वरना टूट जाएगा। घर वापस आ जा रूपा, मैं पक्का कभी तुझसे नहीं लड़ूंगी। ये क्लिप भी तुझे दे दूंगी, बस तू घर आ जा, घर आ जा। माँ सुपर, क्या हुआ माँ? बहुत बड़ी मुसीबत में है, हमको उसको ढूंढने जाना है। मेरी बेटी बहुत बड़ी मुसीबत में, तू चल मेरे साथ, रूपा को ढूंढने जाना है। माँ मेरे पास, माँ तू रुक क्यों गई? मेरी बेटी मुसीबत में, रूपा को ढूंढने चल रहा है। अंकिता तू क्या कर रही है? चल बेटा चल। माँ हाँ मेरी बात सुन माँ, पूरा शहर चार मारा हमने, कहीं नहीं मिली रूपा। सुन, भूल जा उसे, भूल जा। We'll be right back.
अरे बहुत कमा लिया इस छोकरी से, जिंदगी भर पाल के रखना है क्या? बोझ बनने से पहले निकाल देते इसको। तो कुछ और कर ले। अच्छा सुन, धंधे से कुछ दिन दूर रख इसको। ग्राहक ढीला नहीं, टाइट माल पसंद करती है। ऐसी बात नहीं करते। कहते हैं 24 घंटे में एक बार सरस्वती जुबान पर आती है। अगर तुम कहीं चली गई, मेरा क्या होगा? तुम जान हो मेरी। रूपा! माँ, माँ क्या हुआ? कुछ बुरा सपना देखा क्या? माँ ये लो। माँ रूपा के बारे में कुछ बुरा देखा क्या? छह साल गुजर चुके, पुलिस स्टेशन के चक्कर काटते काटते आपके बाल तक सफेद हो गए। माँ आपको अब भी उम्मीद है रूपा के मिलने की। माँ तो आराम कर, लेट जा। मुझे समझाती रहती है, तू क्या भूल पाएगी उसको? कहां मर गया ये दल्ला? अरे भैया कब से फोन लगा रहे थे तुम्हें? किधर हो और गोश्त कहाँ है? अरे इधर ही है तुम्हारे सामने। अरे भैया हटा क्यों दिए? देखने दो। गोश्त देखकर नहीं खाया जाता, गोश्त खाने के लिए गोश्त को हाथ में लेना पड़ता है, और गोश्त हाथ में तभी आएगा जब उसकी सही कीमत दोगे। कितनी कीमत? वाले ट्रक में है तू, आज से तेरा मालिक मैं हूं। 3 साल की बचत करके पूरे 30,000 में खरीदा है तुझे। एक बात बता, अभी तक कितनों के साथ सोई? भूख लगी है। छोड़ दे वरना टूट जाएगा।
ये ले, खा ले। अरे पकड़, ले ले, खा ले खा ले। आराम से खा, आराम से। पानी ये ले, पानी। भूख मिट गई तेरी है? मिट गई ना? चल मेरी भूख मिटा दे। सप्ताह मान गए लाला जी, मान गए। आपने अपने कंगाल होने का राज छुपाया, आपने हमारी आंखों पर पट्टी बांधे रखी, इसीलिए ना कि ताकि एक बार आपकी जेसी बोनी बेटी इनके गले बांध दे फिर का। नहीं, ये सब झूठ है बाबा। क्या ये सच बनेगा? मुरली और भारती के रिश्ते की नई उम्मीद। हम कसम खाते हैं बाबा, हम हमेशा भारती का ध्यान रखेंगे। बाबा ऐसो वर ढूंढो, सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल पर। नहीं अभी नहीं, शरीर दुख रहा है अभी नहीं। अच्छा अभी नहीं। $30,000 खर्च किया मैंने तेरे ऊपर, और ये 3500 रुपए का खाना तेरे नाटक नहीं चलेंगे। माँ तेरे लिए गर्मा गर्म मसालेदार चाय। तुमने पी? नहीं। माँ माँ ये क्या हुआ? अरे कुछ नहीं। कितनी बार कहा है आपसे कि थोड़ा संभल के काम किया करो। अरे घर का काम करते लग जाती है, तू भी ना ज्यादा परेशान मत हुआ कर, अरे ठीक हो जाएगा। माँ मुझे पता है आपको किस बात की चिंता है। माँ रूपा को मिलना होगा तो वो मिल जाएगी, आप उसके बारे में सोचकर अपनी सेहत खराब कर रही हैं। माँ मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, बस कर। और मुझे तो लगता है कि उसके साथ किसी ने कुछ गलत करके मार दिया होगा। क्या बोल रही है बेटा, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी रूपा ठीक है बेटा, वो आएगी। तुम्हें पता है ना 24 घंटे में एक बार सरस्वती जुबान पर बैठती है, कुछ नहीं होगा मेरी रूपा को, वापिस आएगी मेरी रूपा। हेलो। देखिए रोना जी, मामला थोड़ा गंभीर है। दरअसल हमें हाईवे पर एक लाश मिली है, आपको पहचान के लिए सरकारी शव गृह आना होगा। आज की इस आधुनिक दुनिया में बच्चों की तस्करी एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 80% गुम हुई बच्चियों से देह व्यापार और बाल मजदूरी करवाई जाती है। रूपा को गायब हुए 6 साल से ज्यादा हो चुके थे। रूपा को अगवा करने वाले दिन रात उसके शरीर को बेच रहे थे। रोजाना वो अपने शरीर पर हजारों जुल्म सह रही थी, सिर्फ इसी उम्मीद में कि कभी ना कभी तो वो दिन आएगा जब उसे इस नर्क से मुक्ति मिलेगी। और वहीं इतने साल बीत जाने के बाद भी रूपा की मां ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा। लेकिन जब पुलिस ने लाश पहचानने के लिए बुलाया तो रूपा की मां की उम्मीदों पर एक सवालिया निशान लग गया। क्या रूपा, उसकी मां और उसकी बहन के दर्द के सफर का यही अंत था, या फिर इस कहानी में एक और मोड़ आना बाकी था? किसी ने चेहरा चाकू से बुरी तरह से खराब कर दिया, लेकिन हाथ देख के शिनाख्त करनी पड़ेगी। क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? ये
सिर्फ निशान जैसा है, ये रूपा नहीं है। अगर रूपा होती तो मुझे पता चल जाता। तू चल, ये रूपा नहीं है, तू चल, चल यहाँ से, तू चल यहाँ से, ये रूपा नहीं है, तू चल, चल यहाँ से बेटा, ये रूपा नहीं है। तुम्हें क्या लगा था कि मुन्ना तुमसे मजाक किया था? सच कहते हैं, बहुत पसंद आई थी तुम हमें, इसलिए तो घर लेकर आए हैं। 30,000 रुपए खर्च किया मैंने तेरे ऊपर, तेरे नाटक नहीं चलेंगे। मेरे घर में क्या कर रही है? इसे निकाल बाहर कर, निकाल बाहर कर। अरे पता नहीं कहाँ का गंदा खून लेकर आ गया तू, निकाल इसे बाहर, वो यहाँ नहीं रहेगी। देखो माँ, बहुत हो रहा है, वो कहीं नहीं जाएगी, वो यहीं रहेगी। चुप हो जा, बड़ा है, चले बाहर निकल। अरे चल, कहाँ से आई है तू? ये तेरी गठरी है ना, इसको संभाल और निकल, निकल यहाँ, छोड़ना माँ, जा। माँ क्या? माँ माँ माँ, वो नहीं रहेगी इस घर में। ये कहीं नहीं जाएगी माँ, यही रहेगी इसी घर में। क्यों रहेगी इसी घर में और किस रिश्ते से? रुक, बताता हूं। हाँ? ये ले, बन गया रिश्ता। सामना, हम आपकी धमकियों से डरने नहीं वाले, पूरी दुनिया को बताएंगे आपके इसलिए। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज। शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के सातों दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती सात नई कहानियां। गलत मंसूबों का अंजाम बर्बादी ही होता। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर। भागना चाहती है ना, भाग जा, लेकिन जैसे ही तू बाहर जाएगी तुझे नोचने के लिए हजारों लोग तेरी तरफ लपकेंगे। तब क्या करेगी तू? आराम से सोच ले, तुझे हजारों की गोदी में बैठना है या इस अकेले मुन्ना की? शादी एक ऐसे पवित्र बंधन का नाम है जिसमें दो व्यक्ति एक हो जाते हैं, लेकिन यहां तो मुन्ना के लिए रूपा अपनी वासना मिटाने का एक जरिया थी। रूपा यह शादी स्वीकार नहीं करना चाहती थी,
लेकिन उसके कमजोर पड़ गए आत्मविश्वास ने उसके पांव में बेड़ियां बांधी थी। जबरदस्ती का ही सही, लेकिन रूपा की मांग में सिंदूर तो भर चुका था। अब क्या इस सिंदूर ने रूपा के दर्द पर मरहम का काम किया या फिर उसके दर्द को और ज्यादा बढ़ा दिया? कब तक पूजा पाठ करती रहोगी माँ? काम पे जाना है, खाना बनाया कि नहीं? क्यों, मैं क्यों खाना बनाऊ? जिसके साथ ब्याह किया है ना, उसे बोल तेरे लिए 56 भोग बना देगी। रूपा, ओ रूपा, तुम्हारी सासू माँ चाहती है कि आज से रसोई तुम संभालो, तो आ जाओ, लग जाओ काम पे। ले माँ, अब तो खुश है ना तू? सुनिए जी, मेरा नाम महेश है, मैं आपके पड़ोस में रहता हूँ। जी आपकी सास आपके साथ जो करती है वो गलत है ना? ये सब डोमेस्टिक, मेरा मतलब कि ये घरेलू हिंसा में आता है, आपको तो पुलिस के पास जाना चाहिए। कौन है ये? अच्छा तो अपने यार को भी यहाँ बुला लिया? नहीं नहीं, अरे दो दिन मार क्या नहीं पड़ी तो होशियारी करने लगी? अपने यारों को इस घर का पता दे रही है? अरे मेरे बेटे से मन क्या भर गया था तेरा? उठ, अरे चल अंदर। मम्मी चुप कर, मम्मी की बच्ची जी। चल अंदर। दो दिन भूखी रहेगी ना तभी तेरी अकड़ ठिकाने आ जाएगी, समझी? सुना है माँ ने तुझे आज खाना नहीं दिया, भूख लगी है? खाना खाएगी, ले खा। लेकिन एक शर्त है, तुझे पहले मेरी भूख मिटानी पड़ेगी। मिटाएगी ना? हाँ मिटाएगी ना? सब कुछ सहते हुए रूपा को 6 साल और 6 महीने हो चुके थे। आने वाला हर दिन रूपा की एक नई परीक्षा ले रहा था। ऐसे में रूपा की जिंदगी में सिर्फ एक ही अच्छी चीज हुई कि उसे महेश नाम का एक ऐसा इंसान मिल गया जो उसके दर्द को समझ पा रहा था। लेकिन एक बार रूपा की मदद करने में फेल हुआ महेश क्या फिर से आगे आएगा? क्या रूपा की जिंदगी में कोई एक खुशी अपना घर बना पाएगी? आइए देखते हैं। कहीं ये पेट से तो नहीं हो गई? इस सप्ताह मान गए लाला जी, मान गए, आपने अपने कंगाल होने का राज छुपाया। आपने हमारी आंखों पर पट्टी बांधे रखी इसीलिए ना कि ताकि एक बार आपकी जिद्दी बेटी इनके गले बांध दे फिर का? नहीं, ये सब झूठ है पापा। क्या ये सच बनेगा मुरली और भारती के रिश्ते की नई उम्मीद? हम कसम खाते हैं पापा, हम हमेशा भारती का ध्यान रखेंगे। बाबा ऐसो वर ढूंढो सोमवार से रविवार रात 9 बजे दंगल पर। क्या बात है माँ, आज तो बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। शांति जी महाराज के लिए रूपा की मनपसंद खीर बना रही हूँ। बाबा जी के लिए? क्यों, तुम्हें पता है
बाबा जी ने रूपा की कुंडली देख के क्या कहा? उन्होंने कहा कि हमारी रूपा बहुत जल्दी वापस आ जाएगी, जैसे उसकी कुंडली से 7:30 खत्म हो गई ना हमारी। माँ, ये बाबाओं वाबाओं के चक्कर में आप मत पड़ो। मैं बन गई हूँ इंस्पेक्टर, मैं लेकर आऊंगी रूपा को, मैं ढूंढूंगी उसे। आपको मुझ पर यकीन है ना? माँ, काश हम बच्चे ही होते ना। याद है कैसे हमारी रूपा तितली की तरह भागती रहती थी, इधर से उधर, उधर से इधर। अरे बहू, जरा आराम से काम कर लिया कर। अरे मेरा बच्चा कौन दौड़ रहा है? मेरे छोटे से डाकू बेटा। मजा मजा मजा। तू तो मेरी कोई नहीं थी, पर मुझे पोता देकर तू मेरी असली वाली बहू बन गई है। अब मुझसे आशीर्वाद ले और पक्की वाली बहू बन जा। ले आशीर्वाद। अरे क्या कर रही थे? क्या हुआ? डरने की जरूरत नहीं है बहन, 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 बहन। जी हाँ, आप मेरी बहन जैसी तो हैं। आप मुझे मेरा बच्चा दिलवा सकते हैं? हाँ, हम दोनों पुलिस स्टेशन जाएंगे, वहां पे आपका बच्चा पुलिस वाले दिलवा। नहीं 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 नहीं, मैं पुलिस स्टेशन नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। लेकिन क्यों? मुझे उन पे विश्वास नहीं है, शरीर नोचते हैं। हाँ, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। तब तो आपका परिवार ही आपकी मदद कर सकता। परिवार? मैं तेरह या 14 साल की होंगी, मेरा अपहरण कर लिया गया था। मुझे मुझे मेरे घर का पता भी याद नहीं है। माँ और बहन के चेहरे तो कब के धुंधले हो चुके। मैं आपका दुख समझता हूँ, लेकिन दिमाग पे थोड़ा प्लीज जोर डाल के देखिए, शायद आपको कुछ याद आ जाए। और डरिए मत, पानी पीजिए। कुछ याद आया आपको बहन? हाँ, वो मुझे मेरे शहर का नाम याद है, गाजियाबाद। आपको याद है जहां से आप गायब हुए थे?
वाल्मीकि मोहल्ला गाजियाबाद, दिल्ली से थोड़ा दूर है लेकिन आप वहां से जा सकते हैं। ये लीजिए वहां का पता। ये लीजिए पैसे। क्या आप मेरे साथ नहीं चल सकते? मेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं जिसकी वजह से मुझे यहीं पे रहना होगा, और वैसे भी जिंदगी की लड़ाई हमेशा अकेले ही लड़नी चाहिए, इससे आत्मविश्वास हमें सब बरकरार रहता है। अब तक आपकी जिंदगी में क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात मैं पूरे भरोसे से कह सकता हूँ कि आपके दर्द का ये सफर अब आखिरी पड़ाव में है और जीत आपकी होगी। जब तक आप वापस आएंगे तब तक आपके बेटे का ख्याल मैं रखूंगा। चलिए आपको बस स्टॉप तक छोड़ के आता हूँ। भैया मेरा कोई भाई तो नहीं है, पर अगर होता भी ना तो भी आपकी बराबरी नहीं कर सकता। अब डट कर होगा डर से सामना। हाँ, पर मैंने थोड़ी देर कर दी। हर जुर्म के खिलाफ उठेगी आवाज। जी शुरू हो गई है अपराध से पहले देश को अलर्ट करने की एक नई मुहिम। अब सप्ताह के सातों दिन देखिए जुर्म से अलर्ट करती सात नई कहानियां। जरूरत है जागरूक होने की, जुर्म के खिलाफ आवाज उठानी पड़ेगी। क्राइम अलर्ट सोमवार से रविवार रात 10 बजे दंगल पर। है मुझे कितनी बार कितनी जगह बस अब और सहन नहीं होता भगवान, कुछ करो, मुझे मार दो या फिर इस नरक से मुझे बाहर निकाल दो भगवान। जेन मैम, जहां हमने रेड डाली है वहां से ये लड़कियां मिली हैं। ठीक है, तुम जल्दी से रिपोर्ट तैयार करो और कोर्ट में पेशी डालो, और इन लड़कियों के लिए एनजीओ को रिपोर्ट करो।
कहते हैं कि सफर में कितने भी दुख और तकलीफें क्यों ना हो, लेकिन अगर अंतिम पड़ाव पर खुशियां मिल जाएं, तो हर दुख पर मरहम लग जाता है। 10 साल 7 महीने और 6 दिनों के बाद रूपा और उसके परिवार का अंतहीन सफर खत्म हो चुका था। एक मां का विश्वास जीत गया था। रूपा की बहन जो अब एक इंस्पेक्टर बन चुकी थी, अपनी मां के विश्वास पर हैरान थी। रूपा और उसके परिवार को मिलाने में महेश का बहुत बड़ा योगदान था। महेश जैसे इंसानियत पसंद और मददगार लोगों को क्राइम अलर्ट सैल्यूट करता है। अपनी माँ और बहन की मदद से रूपा को अपना बच्चा तो मिल गया, लेकिन अपना बच्चा मिलने के बाद उसने मुन्ना की माँ से मुंह नहीं मोड़ा, बल्कि उसके दर्द को पूरा मान दिया। आज मुन्ना की माँ सुमित्रा रूपा के परिवार के साथ रहती है। सुमित्रा को अपनी गलती का एहसास हो चुका था, इसलिए उसने रूपा की मदद करने वाले महेश को अपना घर किराए पर दे दिया। नशे के जो इंजेक्शन रूपा को दिए जाते थे, उसका रूपा की आदाश पर बहुत बुरा असर पड़ा था। लेकिन बावजूद इसके, रूपा की दी गई टूटी फूटी जानकारी के तहत अंकिता ने कानपुर पुलिस के साथ मिलकर कई जगह छापे मारे और कई लोगों को गिरफ्तार किया। रूपा का सबसे बड़ा गुनहगार यानी कि पीपनी बजाने वाला वो व्यक्ति आज भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। बाकी सभी गुनहगारों को सजा मिल चुकी है। अंत में मैं बस यही कहूंगा कि बच्चे बेशकीमती हैं, उन्हें अपनी आंखों से ओझल मत होने दीजिए। अपराध कभी भी कहीं भी दस्तक दे सकता है, इसलिए सतर्क रहें, अलर्ट रहें। अब मुझे इजाजत दीजिए। क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज़।